हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं बीज सीड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था फल क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं। तो देखें, निषेचन के पश्चात क्या होता है, जो बीजांड है ये किस में विकसित हो जाता है, बीज में विकसित हो जाता है निषेचन के पश्चात। ठीक है, तो बीजांड से जो विकसित होता है वो क्या कहलाता है, बीज होता है। ठीक है, ओव्यूल है उसे डेवलप होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारे पास अंडप है तो उसमें अंडाशय है, अंडाशय तो विकसित हो गया था किसमें, फल में, अंडाशय फल में बदल गया था। ओवरी है ये फ्रूट बना लिया था, और इसमें प्रेजेंट होता है ओव्यूल यानी बीजांड। तो जो बीजांड है ये किसमें चेंज हो जाता है, बीज में विकसित हो जाता है। ये डेवलप होकर क्या बना लेगा, बीज बना लेगा। ओव्यूल है ये डेवलप होकर बना लेगा सीड। ठीक है, अब हम सीड की बात करते हैं। तो सीड में ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों प्रकार के पादपों में होता है। ये जिम्नो है, ध्यान रखना है। हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों प्रकार के पादपों में देखने को मिलता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, ये बीज होते हैं ये नग्न होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं ये क्या होते हैं, कवर्ड रहते हैं। ठीक है, यानी ढके हुए रहते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, कवर्ड रहते हैं। अब हम बीज की संरचना देखते हैं। तो बीज में दो भाग मेनली होते हैं, पहला होता है बीज चोल और दूसरा भाग कहलाता है इसका भ्रूण। बीज चोल और भ्रूण दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे हमारे पास है चना, ठीक है, हमारे पास है ग्राम चना है। इस चने के हमने भिगो दिया है, भिगोने के बाद में जो भूरे रंग का छिलका हटाया है ये तो कहलाता है इसका बीज चोल, और फिर उसके अंदर का जो भाग है वो पूरा कहलाएगा क्या, इसका भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, भ्रूण कहलाएगा। भ्रूण और बीज, ये बीज चोलिए मिलकर क्या बनाएंगे, बीज बनाते हैं। अब जो बीज चोल है, सीड कोट है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। एक तो होता है टेस्टा, ये इसका कठोर भाग होता है, बीज का थोड़ा कठोर होता है, ये हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, और एक होता है टेगमेन, और ये बाहर की तरफ होता है, बाहरी पार्ट है, आउटर पार्ट है ये, कौन सा, टेस्टा। और इनर पार्ट होता है ये टेगमेन होता है, ये कैसा होता है, एक झिल्ली जैसा होता है, ये एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, मेम्ब्रेन यस होता है टेगमेन। तो जो सीड कोट है उसके दो पार्ट हो गए, टेस्टा टेगमेन। बीज चोल है उसके दो भाग हो गए, टेस्टा और टेगमेन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, चना है उसको भिगो दिया आपने और भिगोकर उसका छिलका हटाया है, तो छिलका हटाने पर बाहर की तरफ तो ये दिखेगा भूरे रंग का और अंदर से दिख रहा है वाइट कलर का। तो जो भूरे रंग का भाग है वो तो क्या है, इसका टेस्टा है, और अंदर की तरफ जो वाइट है वो इसका टेगमेन पार्ट होता है कंप्लीट। इसी तरह जैसे बादाम है, बादाम को भिगो दिया उसका छिलका हटाया है, तो छिलका बाहर की तरफ का भाग है वो तो कौन सा, टेस्टा, और अंदर की तरफ है टेगमेन। और छिलके को हम क्या कहेंगे, सीड कोट या बीज चोल कहेंगे। जैसे छिलका हटा देते हैं उसके बाद का जो भाग हमें मिलता है वो कहलाता है भ्रूण, एम्ब्रियो कहलाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो और सीड कोट मिलकर सीड बनाएगा। अब जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसके भी दो भाग होते हैं, पहला भाग कहलाता है भ्रूणीय अक्ष और दूसरा है बीज पत्तर, एम्ब्रियोनिक एक्सिस और कोटिलिडन। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने छिलका हटाया है तो चना है ये दो भागों में बट गया, ठीक है, दो भागों में बट गया। ये पूरा का पूरा जो भाग है चना हटाने के बाद में, जिसे हमने बोलते हैं ना कि धुली हुई दाल आती, इस तरह, तो ये सब किसका भाग होता है, इनके भ्रूण का भाग होता है। अब जो हमने क्या है, चना हटा का छिलका हटाया है, तो जो हमें दो दाल मिलती है और आपस में वो जुड़ी हुई भी रहती है, जो दो दाल मिल रही है आपस में जुड़ी हुई है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एक भ्रूण कहलाएगा, एक एम्ब्रियो है ये। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो के भी दो भाग मैंने आपको बताए हैं, भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है और बीज पत्तर है। तो देखो, ये जो भाग है बीज का, इसको तो हम कहते हैं भ्रूणीय अक्ष, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर दिखाया है, ये भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। अब इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस में क्या होता है, बीज पत्तर के ऊपर का, देखो ये दो भाग जो बन गए ना दाल के, इसके दो भाग बन गए, इनको हम क्या कहते हैं, बीज पत्तर कहते हैं। तो बीज पत्तर तो ये दो भाग ओपन हुए वो है, और बीच में क्या है इनका, भ्रूणीय अक्ष है। ठीक है, अब ये जो भ्रूणीय अक्ष में जो बीज पत्तर के ऊपर का भाग है उसको हम कहते हैं बीज पत्रोपरिक। देखो नाम में पता चल रहा है ना, बीज पत्तर के ऊपर, ऊपर को बोल दिया उपरिक, तो नाम हो गया बीज पत्रोपरिक। ठीक है, और इसके नीचे का जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे, बीज पत्राधार, बीज पत्तर प्लस आधार, तो नाम क्या बन गया, बीज पत्राधार। इसको हम दूसरा नाम बोल देते हैं एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपी का मतलब ऊपर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एपी यानी ऊपर और हाइपो यानी नीचे। तो एपी कोटाइल, कोटाइल का मतलब हो यहाँ पर, कोटिलिडोन्स हम कहते हैं बीज पत्थर को, कोटिलिडोन को, तो शॉर्ट में कह दिया कोटाइल। तो कोटिलिडोन्स के अपर का जो पार्ट होगा इसका, एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, उसको बोल देंगे एपी कोटाइल, और जो लोअर पार्ट है उसको क्या बोल देंगे, हाइपोकोटाइल उसका नाम हो जाएगा। ठीक है,
और जो एपिकोटाइल है उसका एंड टिप पार्ट है उसको हम कहते हैं पल्म्यूल, प्रांकुर। बीज पत्रों परिक का अंतिम भाग अंतिम छोर कहलाएगा प्रांकुर, और बीज पत्राधार का अंतिम भाग अंतिम छोर ये कहलाएगा मूलांकुर। ठीक है, एपिकोटाइल का जो टिप है टर्मिनल पार्ट है उसको तो बोल देंगे हम पल्म्यूल, और हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है उसका नाम हो जाएगा रेडिकल। कंप्लीट है। जब हम बीज को लगा देते हैं तो इससे यहाँ से पत्तियाँ निकलना शुरू होती है, और जड़ें और पत्तियाँ और शाखा निकलना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं पर्रोहै, शूट कह देते हैं, पर्रोहै शूट। तो शूट है ये डेवलप होता है पल्म्यूल से। कंप्लीट है। फिर नीचे का जो बीज पत्राधार भाग है यहाँ से जड़ें निकलना शुरू होती है इसे, तो रेडिकल है, इससे क्या निकलता है, इससे रूट है ये डेवलप होती है। ठीक है, मूल है, जड़ें हैं, ये डेवलप होती है किससे, मूलांकुर से, और प्रांकुर से बनता है पर्रो है। कम्प्लीट है। तो ये भाग बन गया हमारे पास बीज का भ्रूणीय भाग यानी एम्ब्रियो भाग। अब जो बीज पत्र होते हैं उसके आधार पर हम बीजों को दो भागों में बांट देते हैं। किसी में दो बीज पत्र मिलते हैं, जैसे चना है उसको भिगोया छिलका हटाया दो भागों में बट गया, दो बीज पत्र है, यानी दो कोटिलीडोन्स है, तो क्या बोल देंगे, डाई कोटिलीडोन्स, द्विबीजपत्री। ठीक है, मटर है, मटर को भी हमने भिगोया छिलका हटाया दो भाग बन गए। इसी तरह जैसे हमारे पास जितनी भी दालें हैं उनका छिलका हटाते हैं दो भाग बन जाते हैं। बादाम है उसका छिलका हटाया दो भाग बन गए। मूंगफली है उसको छीलने के बाद में उसका जो बीज होता है उसको हमने क्या किया, दो भागों में बांट सकते हैं। तो जिनका भी दो भाग में डिवाइड हो जाता है वो क्या है, द्विबीजपत्री है, डाइकोटिलीडोन्स है। यो क्या होते हैं, उसके बीज पत्र होते हैं, जो क्या करते हैं, जब ये पौधा डेवलप हो रहा होता है, नया पौधा है ये बन रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है, उसको पोषण की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट है। अब किसी में ये एक बीज पत्र ये एक ही होता है, मोनोकोटिलीडोन्स इसको हम कह देते हैं, एक बीज पत्री कह देते हैं। तो एक बीज पत्री है, इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो गया गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, इनका बीज दो भागों में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये सब क्या है, एक बीज पत्री पौधे हो गए। कम्प्लीट है। और भ्रूणीय अक्ष के बारे में हमने जान लिया, भ्रूणीय अक्ष है उसके हमने दो भाग बनाए हैं, एक कहलाया है बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल, और दूसरा जो पार्ट है इसका उसका नाम था बीज पत्राधार यानी हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब नीचे, कोटाइल यानी कोटिलीडोन्स, तो हाइपोकोटाइल्स। अब जो एपिकोटाइल है इसका टिप पार्ट होता है वो हो जाएगा प्रांकुर। उसका टिप पार्ट कौन सा है, प्रांकुर है, पल्म्यूल है। और जो बीज पत्राधार है उसका टर्मिनल पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका नाम है मूलांकुर, अंतिम भाग अंतिम छोर मूलांकुर है। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं रेडिकल। ओके, तो इस तरह हमारे पास जो बीज पत्र होते हैं, बीज होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि द्विबीजपत्री बीज क्या होता है, एक बीजपत्री बीज क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से जान। अब हम द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज उनके बारे में डिटेल से जानते हैं, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखें हमारे पास है द्विबीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमने बीज को छीला है तो बाहर की तरफ क्या होता है, बीज चोल होता है, छिलका होता है। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं सीड कोट होता है। अब सीड कोट को हटाते ही दो बीज पत्र बन जाते हैं, ये तो दो है क्या, इसके बीज पत्र है। ठीक है, जिनको हमने कहा था कोटिलीडोन्स है, और बीच में क्या है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या है, भ्रूणीय अक्ष है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस के हमने दो पार्ट बनाए, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको वापस, इस तरह स्ट्रक्चर है। तो इसका जो बीज पत्र है यानी कोटिलीडोन्स है, उसके ऊपर का पार्ट तो क्या है, एपी यानी ऊपर, एपी कोटाइल उसका नाम हो गया, और नीचे का जो पार्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल उसका नाम हो जाएगा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, और एक का नाम क्या हो जाएगा, बीज पत्राधार, बीज पत्राधार। कंप्लीट है। और इनका जो लास्ट का जो पार्ट है, टिप पार्ट है, उसको हमने नाम दिया था प्रांकुर, पल्म्यूल। और जो एंड पार्ट है किसका, बीज पत्राधार का, उसका नाम दिया था मूलांकुर, रेडिकल। और फिर हमने पढ़ लिया था उससे तो क्या बनेगा, प्रांकुर से पर्रो है, पल्म्यूल से डेवलप होता है क्या, शूट, और इससे क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होगी रेडिकल से, मूलांकुर से मूल डेवलप होती है। ये हो गया द्विबीजपत्री बीज का। एक बीजपत्री बीज थोड़ा सा अंतर होता है, एक बीजपत्री बीज है उसके
मेनली तीन पार्ट होते हैं, ठीक है? कौन कौन से भाग होता है उसमें? एक तो होता है बीज पत्तर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोटिलीडॉन्स। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है इसका भुरनीय अक्ष, भुरनीय अक्ष, एम्ब्रियोनिक एक्सिस जिसको हम कहते हैं। तो देखो ये तो दोनों तो इसमें भी था, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंट है, इसमें एक भाग और होता है जिसका नाम होता है भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला, एंडो, एंडो का मतलब अंदर, और स्पर्म, स्पर्म यानी बीज, बीज में अंदर पाया जाने वाला, एंडो स्पर्म इसमें जिसका नाम पड़ा है। तो तीन भाग होते हैं, जैसे हमारे पास ये है, तो इसमें क्या है, एक तो बीज पत्र है ये वाला भाग, ठीक है, और दूसरा क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म और बीज पत्र दो भाग हो गए। अब बीज पत्र में देखो क्या है, भ्रूणीय अक्ष है, ये भ्रूणीय अक्ष है। भ्रूणीय अक्ष के मैंने आपको दो भाग बताए हैं, एक तो होता है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर, एक है पल्म्यूल और दूसरा है रेडिकल, ठीक है। तो ये इसका पल्म्यूल है और ये हरे रंग से जो दिखाया है ये नीचे वाला है, ये रेडिकल है, पल्म्यूल और रेडिकल, ये पूरा का पूरा क्या है, एक भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो पल्म्यूल है इसकी प्रोटेक्शन के लिए इनमें होता है प्रांकुर चोल, कोलियोपटाइल होता है, ठीक है, कोलियोपटाइल बोलकर एक स्ट्रक्चर होती है जो इसको कवर रखती है भाग किसका, इस बीज पत्र का ही एक्सटेंशन है, उसका ही विस्तार है, बीज पत्र का ही विस्तार होता है ये, उसका ही एक्सटेंशन है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी है, तो मूलांकुर को जो ढक रही है, प्रांकुर चोल नहीं सॉरी, उसका नाम होता है मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल, कोलियोराइजा, ठीक है। तो पल्म्यूल को कवर करेगा कोलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करेगा कोलियोराइजा, प्रांकुर को ढकने वाला है प्रांकुर चोल और मूलांकुर को ढकने वाला है मूलांकुर चोल। ये क्या है, बीज पत्र का विस्तार ही है, एक्सटेंशन है ये कोटिलीडोन्स का। इसमें एक ही कोटिलीडोन्स होता है, इसको हम कहते हैं स्कूटेलम, ठीक है। इनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है, जो घास परिवार के पादप है या एक बीज पत्री पादप है उसमें एक ही बीज पत्र होता है, उसका नाम क्या होता है, स्कूटेलम। उसका नाम होता है स्कूटेलम, कंप्लीट है। अब आ जाते हैं कि देखो इनमें सर आप हो गए सर अंडाशय है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अंडाशय है, ठीक है, और उसके अंदर होता है बीजांड। तो क्या गेहूं के अंदर भी फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं? तो लगते हैं, उनको हम क्या करते हैं, आकर्षक नहीं होते तो फूल नहीं मानते, फूल उसमें भी होते हैं, पुष्प उसमें भी पाए जाते हैं, उसमें अंडाशय भी होता है और उसमें बीजांड भी होता है गेहूं के अंदर, ठीक है, ओवरी भी होता है उसमें और ओव्यूल भी होता है, दोनों उसके अंदर उपस्थित होते हैं, ओवरी एंड ओव्यूल दोनों उपस्थित होते हैं। तो उनके अंदर देखो बीजांड से तो बीज बन गए, आप हो गए सर गेहूं का फल कौन सा हुआ, तो देखो जो बीज हम खाते हैं ना गेहूं के, ये एक तरीके से उनका फल ही होता है, कैसे होता है, उनका फल है ना, उसका बीज चोल है वो चिपका हुआ रहता है उसके साथ में एकदम से, जिसको हम कहते हैं ना फल भित्ति, पेरिकार्प, जिसके हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, एक तो होता है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, एपिकार्प, म्यूजोकार्प और एंडोकार्प। तो इनका एपिकार्प, म्यूजोकार्प और एंडोकार्प एकदम से चिपका हुआ रहता है इसके साथ में, किसके साथ में, इनके जो बीज चोल है उसके साथ में चिपका हुआ रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जो ब्लू कलर से दिखाया है ये क्या है, बीज चोल है, और उसके बाहर जो ब्लैक कलर से दिखाया है ये फल भित्ति है। तो ये आपस में चिपका हुआ रहता है, तो हम उसको ऐसा अलग अलग समझ ही नहीं पाते। ये आप इसको समझ सकते हैं जैसे जौ आती है, जौ में भूरा रंग का कवर होता है बाहर का, वो उसका फल भित्ति होता है, जैसे उसको छील देते हैं तो अंदर वो पूरा निकलेगा आपका जौ। इसी तरह जैसे बिना पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उसमें भूरा कवर आता है, तो भूरा कवर है वो क्या, इसका फल भित्ति है, पेरिकार्प है, उसको हटा देंगे जैसे पॉलिश कर देंगे तो उसका फल भित्ति जो है पेरिकार्प ये हट जाएगा और बीज चोल बाकी रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है, इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो एंडोस्पर्म जिनमें पाया जाता है उनको कहते हैं हम एल्बुमिनस सीड, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ उनका नाम, जिनमें एंडोस्पर्म उपस्थित है उनका नाम होता है एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस बीज, या भ्रूणपोषी बीज भी कह सकते हो, और जिनमें नहीं होता है उनको बोल देंगे गैर एल्बुमिनस बीज, ठीक है, नॉन एल्बुमिनस सीड उनका नाम होता है, ठीक है। तो जिनमें भ्रूणपोष होता है तो वो कौन से होते हैं, एक बीजपत्री पादप, और जिनमें नहीं होता वो होंगे द्विबीजपत्री, कंप्लीट
कंप्लीट है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो भ्रूण पोष होता है उसको चारों ओर से एक प्रोटीन की परत, ये क्या है जो रेड कलर से दिखाई है, ये एक प्रोटीन परत है, ये ढके हुए रहती है। और इस प्रोटीन परत का नाम होता है एल्यूरोन। एक बीजपत्री बीज होता है उसमें भ्रूण पोष के चारों ओर प्रोटीन की एक परत पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूरोन कहते हैं। इन मोनोकोट सीड के अंदर क्या होगा, एक प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है आउटर साइड के अंदर एपिडर्मिस एंडो स्पर्म के, और उसका नाम क्या होगा, एल्यूरोन होगा। कंप्लीट है। एक चीज़ और याद रखना, ये एल्यूरोन नहीं है, यहाँ पर जो है ये जो दिखाई है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ये एल्यूरोन नहीं है, इसको हम कहते हैं एपिथीलियम परत। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एपिथीलियम लेयर हम इसको कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये, बीज पत्तर और भ्रूण पोष के बीच में उपस्थित है, उसका नाम क्या है, एपिथीलियम लेयर, एपिथीलियम परत है। कंप्लीट है। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। एक बीजपत्री बीज देख लेते हैं। एक बीजपत्री बीज में क्या होता है, फल भित्ति है ये बीज चोल के साथ में चिपकी हुई रहती है। ठीक है, यानी जो पेरिकार्प है ये सीड कोट से एकदम से अटैच रहती है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बहुत ही कम कर सकते हैं, कुछ एक में कर सकते हैं, जैसे चावल में कर सकते हैं, भूरे रंग का कवर है, जो में होता है, तो वो सब क्या है, बीज चोल उसका फल भित्ति है, पेरिकार्प है। और जैसे ही इसका अंदर का पार्ट देखते हैं तो इसमें अंदर का एक पार्ट होगा वाइट दिखाई देता है, जिसका नाम होता है एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। इसका काम होता है जब नया पौधा डेवलप हो रहा होता है उसके कुछ टाइम पे जो पोषण चाहिए होता है वो पोषण प्रदान करने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ये। इनमें एक बीज पत्र होता है, ठीक है, एक बीज पत्र होगा, और भ्रूण पोष के चारों ओर प्रोटीन की लेयर है जिसका नाम होता है एल्यूरोन। इनमें एक ही बीज पत्र है, उस बीज पत्र का नाम होता है स्कूटेलम। इनमें एक ही बीज पत्र है, उस बीज पत्र का नाम है स्कूटेलम। स्कूटेलम कहेंगे एक बीजपत्र को, और जो भ्रूणपोष और बीजपत्र है उनको अलग करने का काम करती है एपिथीलियम लेयर, एपिथीलियम परत। ओके, अब जो बीजपत्र है उसके दो भाग, उसके अंदर क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है, इसमें दो भाग नहीं बनते बीजपत्र में, एक ही बीजपत्र होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें भ्रूणीय अक्ष होता है, भ्रूणीय अक्ष में प्रांकुर और मूलांकुर होता है, पल्म्यूल एंड रेडिकल होता है, और पल्म्यूल के ऊपर है कोलियोप्टाइल यानी प्रांकुर चोल, और रेडिकल के ऊपर है कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चोल। एक नोट कर लें, एक नाम आपको जहाँ कहीं पर भी राइजा वर्ड मिलता है तो राइजा का मतलब होता है रूट, जड़। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। राइजा का मतलब क्या हो गया, राइजा नहीं, राइजो का मतलब हो गया रूट, जड़। कंप्लीट है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।